गाइस, क्या आप भी चीप रेट्स में स्मार्ट वॉचेस परचेज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो? सो फास्टली फॉलो कर लो जोन अल्फा स्मार्ट वॉचेस के इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आप भी चीप रेट्स के अंदर स्मार्ट वॉचेस को परचेज कर सको। जोन अल्फा की ऑफिशियल वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बजटेड अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, जो आपको नॉर्मली मार्केट में 500 से 1500 की मिड रेंज में अवेलेबल है। सो चलिए कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग एंड मेजर कर लेते हैं इसके सभी फीचर्स को। उससे पहले, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो सो लाइक कर देना। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। वॉच के नेम की बात की जाए, सो इस वॉच का नेम है T800 Ultra। देन वॉच के साथ हमें हाई वॉच प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, 1.99 इंचेस की इनफाइनाइट डिस्प्ले मिल जाती है। और अगर मैं वॉच के साइज की बात करूं, सो वॉच का साइज है 49 mm। देन बैक साइड में हमें अडेप्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें कितने वॉट का अडेप्टर यूज करना चाहिए इस वॉच को चार्ज करने के लिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। चलिए अब कर लेते हैं इस बॉक्स को ओपन। यहाँ सबसे पहले हमें मिल जाती है एक यूजर मैनुअल, जो हमारे किसी काम की नहीं है, सो चलिए कर लेते हैं इसको साइड। सेकंड नंबर पर हमें मिल जाते हैं ऑरेंज कलर के ओशियन लूप स्ट्रैप्स। और अगर इन स्ट्रैप्स के साइज की बात की जाए, सो इन स्ट्रैप्स का साइज है 45 mm। क्वालिटी वाइज भी अगर मैं इन स्ट्रैप्स की बात करूँ, सो काफी बढ़िया क्वालिटी के स्ट्रैप्स इस प्राइस रेंज में हमें वॉच के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। देन थर्ड नंबर पर हमें मिल जाती है एक वायरलेस चार्जिंग केबल, जो की लेंथ वाइज मुझे काफी लॉन्ग लगी। चले गए जब रिमूव कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच के ऊपर की कवरिंग को। गाइस, पर्सनली कहूं सो फर्स्ट लुक में ये स्मार्ट वॉच मुझे काफी डिसेंट लगी। वहीं स्ट्रैप्स को वॉच के साथ फिक्स करने के बाद कुछ इस टाइप की लुकिंग आती है। और अगर मैं वॉच के आउटर बॉडी की बात करूं, सो वॉच के इस पोस्चर पर हमें एक क्राउन बटन मिल जाता है जो कि वर्किंग है। देन कॉलिंग के टाइम बैकग्राउंड की वॉइस को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमें नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। वॉच के बैक साइड में हमें कुछ सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि वर्किंग है। देन यहाँ पर आपको वॉच अल्ट्रा की ब्रांडिंग के साथ वॉच के कुछ मेन फीचर्स हाईलाइटेड मिलते हैं। वहीं अगर मैं अदर साइड की बात करूं, सो साउंड के लिए यहाँ पर हमें एक स्पीकर वेंट प्रोवाइड की गई है। और सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इस प्राइस रेंज में भी हमें इस वॉच के अंदर एक्शन बटन वर्किंग मिलता है। चलिए गाइस कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच को ऑन। वॉच के ऑन होने के साथ यहाँ पर हमें मिल जाता है अर्थ का एक लोगो। वॉच में अगर बेजल्स वगैरह की बात की जाए, सो यहाँ पर हमें ना के बराबर बेजल्स मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वॉच के अंदर हमें एक्शन बटन वर्किंग मिलता है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्शन बटन इजिली वर्क कर रहा है। देन अगर इस वॉच में मैं नंबर ऑफ इनबिल्ट वॉच फेसेस की बात करूं, सो इस वॉच के अंदर हमें 7 इनबिल्ट वॉच फेसेस मिल जाते हैं। वहीं इस वॉच को एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के बाद आप 500 प्लस फ्री वॉच फेसेस भी यूज कर सकते हो। और सबसे खास बात, इस प्राइस रेंज में आपको कस्टमाइज वॉलपेपर सेट करने का फीचर भी इस वॉच में मिल जाता है। और गाइस, दिल से आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुत ही जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो जाए। चलिए गाइस, अब मैं आपको इस वॉच की डिस्प्ले पिक्सल लाइट में शो करता हूं, एंड ये देखते हैं कि ओवरऑल पीक सनलाइट में ये वॉच किस टाइप की डिस्प्ले क्वालिटी प्रोवाइड करती है। सो गाइस, ये थी ओवरऑल डिस्प्ले पीक सनलाइट में। चलिए बात करते हैं कि इस वॉच के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ मेन्यू स्टाइल्स मिलते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ इनबिल्ड मेन्यू स्टाइल्स की बात करूं, सो इस वॉच में हमें 4 इनबिल्ड मेन्यू स्टाइल्स मिल जाते हैं। बट पर्सनली कहूं, सो ये सभी मेन्यू सेट्स मुझे उतने ज्यादा खास नहीं लगे, बिकॉज ये सभी मेन्यू सेट्स काफी पुराने हैं। और न्यू वॉच होने के बाद भी इस वॉच के अंदर न्यू मेन्यू स्टाइल्स नहीं प्रोवाइड किए गए। अगर मैं इस वॉच में डिस्प्ले की बात करूं, सो इस वॉच में हमें 1.99 इंचेस की इनफाइनाइट डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको ना के बराबर बेजल्स मिलते हैं। और इस वॉच की जो कलर एफिशिएंसी है वो भी मुझे काफी डिसेंट लगी। अब बात करते हैं इस वॉच के कुछ मेन फीचर्स की। फीचर्स की बात की जाए, सो यहाँ पर हमें कॉलिंग के लिए सबसे पहले मिल जाता है एक डायल पैड, जहाँ पे आप इजीली नंबर्स को टाइप करके कॉलिंग कर सकते हो। वहीं अगर वॉच के सेंसर एक्यूरेसी की बात की जाए, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपना हैंड इन्वॉल्व नहीं किया वॉच के साथ, जिसके बाद भी ये वॉच हार्ट रेट मीटर शो कर रही है। सो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि इस वॉच के सेंसर एक्यूरेट नहीं है। और सेंसर एक्यूरेट ना होने की वजह से इस वॉच के अंदर जितने भी हेल्थ रिलेटेड फीचर्स हैं वो सभी किसी काम के नहीं है। अदर फीचर की बात की जाए, सो यहाँ पर हमें
एक वेदर का फीचर मिलता है जिसका यूज करके आप वेदर फोरकास्टिंग चेक कर सकते हो, वो भी अपनी स्मार्ट वॉच के थ्रू। एप्लीकेशन सपोर्ट की बात की जाए सो इस वॉच के अंदर आपको व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक तीनों का सपोर्ट मिल जाता है। बट गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, आप ओनली नोटिफिकेशंस को ही रिसीव कर सकते हो, यहां से रिप्लाई नहीं दे सकते। और सबसे बेस्ट चीज मुझे इस स्मार्ट वॉच में ये लगे कि इस प्राइस रेंज में भी हमें कैलकुलेटर का फीचर इस वॉच में मिल जाता है। एंड गाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या कैलकुलेटर का फीचर हमें i8 प्रो मैक्स में भी मिलना चाहिए था, यस या फिर नो? सो प्लीज आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओवरऑल गाइज ये थे इस स्मार्ट वॉच के सभी मेन फीचर्स, आई होप आपको ये सभी फीचर्स अच्छे लगे होंगे। चलिए गाइज अब देखते हैं कि वॉच को वियर करने के बाद वॉच किस टाइप की लुकिंग हमें प्रोवाइड करती है। सो गाइस ये थी लुकिंग वॉच को वियर करने के बाद। चलिए अब देखते हैं कि वॉच का ओवरऑल कॉलिंग साउंड एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो कॉलिंग के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है डायल पैड के ऑप्शन पर, देन यहाँ पर आपको कोई सा भी एक नंबर टाइप कर लेना है। नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको एक कॉलिंग का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, देन आपकी कॉल अनदर पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सो चलिए अब मैं आपको इस वॉच का कॉलिंग साउंड एक्सपीरियंस करवा देता हूँ, जिसके लिए मैं अपने साउंड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। ओवरऑल गाइज ये था इस वॉच का साउंड टेस्ट, आई होप आपको ये साउंड टेस्ट अच्छा लगा होगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस वॉच को परचेज करना है, वो भी चीप रेट में। इस वॉच का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली इसको बहुत ही चीप रेट में बाय कर सकते हो। और जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो एकदम ट्रस्टेड लिंक है, वहां से आप बिना किसी इशू के प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। फाइनली गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।